इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जो इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे पहलवान, गंगा में मेडल बहाएंगे प्रदर्शनकारी पहलवान, इस वक्त का बड़ा अपडेट। हरिद्वार में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे पहलवान, वही आज शाम करीब 6 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे ये पहलवान। और प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जिन्होंने इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया है और साथ ही साथ गंगा में अपने मेडल्स बहाने का ऐलान किया है और फैसला किया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोग अब इंडिया गेट पर जाने की तैयारी में है। साथ ही साथ उन्होंने हरिद्वार में गंगा जी में अपने मेडल्स को बहाने का निर्णय ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आज शाम करीब 6 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे ये तमाम पहलवान, प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं। जहां इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे ये प्रदर्शनकारी पहलवान और इन सभी पहलवानों ने आज हरिद्वार में गंगा जी में अपने मेडल्स बहाने का फैसला किया है। स्पर्श जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो स्पर्श, आज जैसा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इंडिया गेट पर अब बैठेंगे और हरिद्वार में गंगा जी में अपने पे जो मेडल्स है वो बहाने का इन लोगों ने फैसला किया है। देखिए बिल्कुल, आप पहलवानों की तरफ से नया ऐलान किया गया है कि हरिद्वार में अपने जो मेडल है वो आप पहलवान जो है प्रभावित करते हुए जो है नजर आएंगे। जो है इसके साथ हम बात करें तो साक्षी मलिक के द्वारा जो है पोस्ट किया गया है, कल भी साक्षी मलिक ने देर रात को ये कहा था कि जो है हम अपनी अगली रणनीति जो है कहीं ना कहीं कुछ ही देर बाद जो खुलासा है वो करते हुए नजर आएंगे। तो अगली रणनीति का खुलासा फिलहाल पहलवानों की तरफ से कर दिया गया है। एक बड़ी ही मार्मिक सी चिट्ठी जो है वो पहलवानों की तरफ से यहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके का घटनाक्रम जो है पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहाँ पर यौन शोषण के आरोप में जो है पहलवान जो है लगातार जो है अपनी मांग को लेकर धरना करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उनके साथ साथ बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार है वो किया जाता है। बर्बरतापूर्वक व्यवहार के साथ साथ FIR तक जो है दर्ज उनके ऊपर कर ली जाती है। तो अब जो है उनके अंदर अगर बात करते हैं तो चूंकि वो मेडल जीते थे देश के लिए, तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज उनके पास यही थी और यही जो है वो प्रभावित जो है करने के लिए जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है आज शाम का उन्होंने ये जो है वक्त रखा है कि वो गंगा जी में जो है अपने जो तमाम मेडल है वो जो है बहाते हुए जो है नजर आएंगे। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर जो है वो आमरण अनशन करते हुए नजर आएंगे। इंडिया गेट हम फिर से ये जानते हैं कि किस तरीके की जो VVIP सिक्योरिटी है, जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो एक बार फिर से हो सकता है कि आमने सामने और टकराव की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आए। तो फिलहाल पहलवानों की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया जिसमें दो चीजें निकल कर सामने आ रही है, पहला वो अपना जो मेडल है वो गंगा जी में बहाते हुए नजर आएंगे और दूसरा आमरण अनशन जो है इंडिया गेट पर पहलवान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन ये काफी बड़ा और अहम फैसला है कि उन्होंने अपने मेडल्स को गंगा जी में बहाने का फैसला किया है। क्या खेल मंत्रालय की तरफ से अभी उनको किसी तरह का आश्वासन मिलता हुआ? देखिए खेल मंत्रालय की तरफ से कोई जो है इस मामले पर आश्वासन जो है नहीं मिला है, क्योंकि अब ये मामला कानूनी रूप में भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जो FIR है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक FIR जो पहलवानों की तरफ से दर्ज कराई गई ब्रिजभूषण के खिलाफ और दूसरी FIR जो पहलवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, चूंकि संसद भवन का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका उद्घाटन कर रहे थे, तमाम VVIP रूट्स लगे हुए थे, एडवाइजरी जो है जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब पहलवान आगे बढ़ रहे थे तो एक जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है और एक कहें कि आमने सामने की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। और उसके बाद FIR पहलवानों के ऊपर भी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि हम जो पहला पहलवान थी वो खेतों में छुपती हुई भी जो है नजर आई है। तो ये चिट्ठी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी ही मार्मिक जो है देखने को मिलती है नजर आ रही है। लेकिन अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें या फिर सरकारी स्तर पर बात करें तो वहाँ पर किसी तरह की पहल जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है और लगता भी अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है अब पूरी तरीके से कानूनी रूप से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, अगर कानूनी रूप भी लेता जा रहा है और कानूनी रूप से देखा जा रहा है, तब भी पुलिस प्रशासन को भी एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनके खेल में जीतने वाले मेडल, और अब उन्हीं को बहाने का इन लोगों ने निर्णय किया है। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अब
देखिए पुलिस ने अपना काम किया था, पुलिस जो है जब पहलवान आगे बढ़ते हुए नजर आए, जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें नहीं रोका था, लेकिन जैसे ही जंतर मंतर से बाहर निकलने की कोशिश पहलवान कर रहे थे, सिक्योरिटी ब्रीच करने की पहलवान कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने अपनी जो है कार्रवाई वहां पर की, और कार्रवाई में हमने देखा कि किस तरीके से जो आमने सामने की स्थिति थी वो देखने को मिलती हुई नजर आई, और काफी अगर हम कहें तो धक्का मुक्की हो वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आई, और जिस तरीके से पहलवान आरोप लगा रहे कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब चूंकि पुलिस भी अपना काम कानूनी रूप से करती है, भारतीय कानून जो है सबको अपना अपना अधिकार जो है देता है अपना पक्ष रखने के लिए, ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है FIR हुई है तो उनको जो है बुलाया जाता है जो है अपनी जो है बातचीत रखने के लिए, तो ऐसे में अपना काम कानून जो है अपने तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहलवानों की ये मांग है कि जब तक जो है जो ब्रिजभूषण है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक इसी तरीके से वो धरने पर बैठे रहेंगे, और धरना देने के लिए अब वो जगह कहीं ना कहीं जो है चुनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर धरना दे नहीं रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, तो वहां पर जो है उन्हें बैठने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसको लेकर अभी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। बिल्कुल स्पर्श, तो आमरण अनशन तक तो ठीक था, लेकिन क्या इस पर पहलवानों ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, पहलवानों से कुछ बातचीत हुई है कि क्या उन्हें किसी ने रोकने का प्रयास किया अभी? देखिए अभी जो है कोई ऐसी जो है बातचीत निकलकर सामने नहीं आई है कि पहलवान जो है उनको किसी ने रोकने की जो कोशिश है वो की हो या नहीं की हो, लेकिन जिस तरीके से पहलवानों ने अब से कुछ ही देर पहले ये ऐलान किया है कि वो आज शाम को अपने जो मेडल है वो जो है गंगा में जो है बहाते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद आमरण अनशन पर बैठते हुए नजर आएंगे इंडिया गेट पर, इंडिया गेट के आसपास अगर पहलवान आते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर जो है अभी जो है संशय की स्थिति बरकरार है। लेकिन जिस हिसाब का जो VVIP मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है, चूंकि इंडिया गेट जो है एक जो है अगर बात करें तो VVIP जगह में देखने को मिलता नजर आता है, तो यहाँ पर मुश्किल लगता है कि पहलवानों को जो है आमरण अनशन पर जो है बैठने दिया जाएगा। ठीक है स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया है हमारे संवाददाता स्पर्श ने, और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट ये कहा कि पहलवानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो हरिद्वार में अपने मेडल्स को बहाएंगे, और ये निर्णय भी उनका सामने आया है।